गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? एक बार फिर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हेलो करिश्मा वेलकम, गुड मॉर्निंग। आर्या वेलकम, शिवांगी वेलकम, राजदीप वेलकम, नमो वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? क्या जल्दी फटाफट कमेंट कर दीजिए आप लोग, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। किरण देश वेलकम, तेजस्वनी वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फटाफट ज्वाइन करें सेशन को, शेयर कर दो जल्दी से, फिर स्टार्ट करेंगे सेशन आज का। दोनों वेट करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 100 MCQs आपको मिलेंगे IPC के 1860। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग करिश्मा, आर्या गुड मॉर्निंग, शिवांगी, राजदीप गुड मॉर्निंग, नमो गुड मॉर्निंग, किरण देश वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तेजस्विनी गुड मॉर्निंग, खुशी गुड मॉर्निंग, राधिका गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके? कल का सेशन सबने देखा था क्या? कल का सेशन आप लोगों ने सबने अटेंड किया था या नहीं किया था, बताओ मुझे पहले जल्दी से। कल का सेशन आप लोगों ने अटेंड किया था या नहीं किया था? जो कल का सेशन हुआ था आप लोगों का CRPC का, खुशी गुड मॉर्निंग, फर्स्ट टाइम है, ओके ठीक है, याद रखिएगा। और यूपी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपी के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यूपी के लिए आपको आज 150 क्वेश्चंस का पूरा मॉक मिलेगा, 150 क्वेश्चंस का पूरा फुल मॉक मिलने वाला, याद रखिएगा ठीक है। यूपी जुडिशरी के लिए जो लोग यूपी जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को पूरा, ठीक है। ठीक है, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे, ठीक है, अनअकैडमी पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। साथ में आप लोग अगर आप स्कॉलरशिप लेने आते हैं, जुडिशरी के लिए स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, याद रखिए 100% तक आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। अगर आपकी फर्स्ट और फिफ्थ रैंक तक आती है, फर्स्ट रैंक आती है तो 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी आप लोगों को। साथ में याद रखिएगा, अगर आप टॉप 5 में फिनिश करते हैं तो, अगर आप टॉप 5 में फिनिश करते हैं अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि 15 जनवरी को होने वाला है, 15 जनवरी संडे को आपका 12 बजे होगा, ठीक है, इसमें आप 100% तक स्कॉलरशिप जी सकते हैं। साथ में आपके चांस है मिलने का अनिल खन्ना सर के साथ और तनसुख पालीवाल सर के साथ, ठीक है, आपको पर्सनली मिलने का मौका मिलेगा। साथ में अगर आप, ठीक है, 10 के बाद में रखूंगा, ठीक है राजदीप, 10 के बाद में पंजाब का भी रखूंगा, लेकिन यूपी वाला भी दीजिएगा आप लोग, सब लोग यूपी वाला भी सब लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि बाकी मेजर एक्ट सारे सबके सेम है, बस आप लोगों का इंटरनेशनल लॉ और ज्यूरिसप्रूडेंस बस थोड़ा सा ऐड है, बाकी सारे के सारे TPA आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब चीज आपको सेम मिलेगा, कोई माइनर एक्ट नहीं आता यूपी में एज अ प्री में, ठीक है। तो आपके मिलने का मौका है अनिल खन्ना सर से और तनसुख पालीवाल सर से। साथ में अगर आपकी 6 रैंक से 1000 रैंक तक आती है तो आप लोग अलग अलग स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, ठीक है, क्लियर। गुड मॉर्निंग शालिनी, तो इनरोल कर लीजिएगा जरूर, इसको इनरोल जरूर कर लीजिएगा, इस जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट को, UGST को, ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट को बेसिकली इनरोल कर लीजिएगा। 15 तारीख संडे, नेक्स्ट संडे आपको मिलेगा, ठीक है, अनलॉक करने के लिए टेस्ट को आप आनंद सर लाइव कोड यूज करके अनलॉक कर सकते हैं। साथ में आप लोगों के पास यूपी का प्रीलिम्स बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 17 तारीख से, ठीक है, ऑलरेडी आप लोग उसको अवेल करते हैं। साथ में आपको मिलेगा आरएम बैच, जो कि 18 महीने का जुडिशरी फाउंडेशन बैच है, 2022 से, ठीक है, ऑल स्टेट जुडिशरी के लिए आपको मिलेगा। अंकिता वेलकम, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या सबको? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है सबको? जरा फटाफट बता दो जल्दी से मुझे, क्या ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है क्या सबको? कोई इशू? क्लियर है सबको? सब क्लियर है, ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों के स्क्रीन पे, तो सबसे पहले जवाब जवाब देखते हैं किसने सही दिया है। सबसे पहले जवाब आया राधिका का, उसका जवाब आया खुशी ने, फिर शालिनी, पोल नहीं आता, पोल नहीं आता अंकिता इसमें, राजदीप का फर्स्ट ऑप्शन और शंभवी ने भी जवाब दे दिया है फर्स्ट ऑप्शन। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के साथ चलेंगे, मेजोरिटी ऑलवेज विंस, मेजोरिटी ऑलवेज विंस। ज्योति वेलकम, 176A की बात करते हैं। चलिए, पनिशमेंट फॉर रेप
ऑफ अ विमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, अगर 12 साल से कम एज है तो उस केस में क्या लगता है आप लोगों को कितनी आपको पनिशमेंट मिलने वाली है? पनिशमेंट फॉर रेप ऑन विमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, क्या लगता है आप लोगों को? साथ में आप लोग ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम चैनल को, आनंद मिश्रा 10 से सर्च करेंगे तो आप लोग मिल जाएगा, ठीक है? आनंद मिश्रा 10 सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। क्या लगता है, बहुत लोग बी बोल रहे हैं, बहुत लोग सी बोल रहे हैं, कहाँ कंफ्यूजन है? क्या लगता है, सेक्शन 376 AB आपको मिलेगा, ठीक है? सी ऑप्शन जो जो मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही है, सी लोग, सी ऑप्शन वाले लोग, सी जिसने से मार्क किया है बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही, बी वाले गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वेमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, तो 12 साल से कम के एज केस में पनिशमेंट कितनी होती है, बताइए जरा जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए, मिनिमम पनिशमेंट कितनी दी गई है, मिनिमम पनिशमेंट का प्रावधान कितना है अगर 12 साल से कम की एज है तो? 12 साल से कम की एज है तो क्या मिलेगा आप लोगों को? सबसे पहले जवाब देखते हैं किसका, थर्ड का आया है, सी आया है राधिका का, उसके बाद आर्य ने भी सी बोल दिया है, शालिनी ने सी ऑप्शन बोला है, किरणदेश ने सी ऑप्शन, शमवी सी, खुशी सी, तेजस्विनी सी, दीपिका वेलकम, उसके बाद फिर जवाब आया है शिवांगी का, फिर करिश्मा और नमो का, वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत सही। रिग्रेस इम्प्रेजमेंट याद रखिएगा, रिग्रेस इम्प्रेजमेंट अब वो आपका 20 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 20 साल से कम नहीं। चलिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाई हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग द सेपरेशन, तो उस केस में कितनी पनिशमेंट होती है अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो ड्यूरिंग सेपरेशन, तो उस केस में क्या लगता है आप लोगों को कितनी पनिशमेंट का प्रावधान है? 7 साल मिनिमम में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स मैक्सिमम पनिशमेंट, 5 साल या 3 साल मिनिमम या 7 साल मैक्सिमम, क्या लगता है आप लोगों को? सबसे सही और सटीक जवाब, क्या लगता है? सबसे पहले जवाब सही देखते हैं कौन देता है, कौन सही दे रहा है बेसिकली, यशस्विनी वेलकम, ध्यान से देखो दोबारा दोबारा, ज्योति वेलकम, गुड मॉर्निंग, दोबारा ध्यान से देखिए, बेरक खोल लीजिए, क्या लगता है आप लोगों को? क्या इसका आंसर ए नहीं है? क्या इसका आंसर ए नहीं है? क्या बताओ जरा जल्दी से, क्रॉस चेक कीजिए फटाफट, किसी को डाउट है तो। क्या लगता है, कंफ्यूज है, ए और बी में कंफ्यूज हो? ए ऑप्शन है आपका, ठीक है, नॉट लेस देन 2 ईयर्स बट मे बी एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं हम लोग। 376 AB केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम, क्या लगता है आप लोगों को? 376 AB की बात करते हैं, 376 AB का प्रोविजन आपको कब मिलेगा, कहां से, कब कब से स्टार्ट हुआ, कब इन्फोर्समेंट में आया वो बताना आप लोगों को। क्या लगता है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट बताइए फटाफट, ये सब सेक्शंस आप लोग इग्नोर करते हो, प्लीज पढ़िएगा इन सब सेक्शंस को, ठीक है, नॉर्मल सेक्शंस पढ़ लेते हैं हम लोग, ये सब सेक्शंस हम लोग नॉर्मली छोड़ देते हैं जो अमेंडमेंट वाले हैं, आजकल इसी क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। क्या लगता है 21 अप्रैल, यस 21 अप्रैल, डी ऑप्शन जो जो लोग मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग, 21 अप्रैल 2018 को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पनिशमेंट फॉर, ठीक है, पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन अ वेमेन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज का प्रोविजन कहां मिलेगा आप लोगों को? प्रीति वेलकम, श्वेता वेलकम, क्या लगता है पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वेमेन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, 16 साल से कम के केस में गैंग रेप हुआ तो उस केस में क्या लगता है कौन सा प्रोविजन फॉल करता है, कहां पनिशमेंट दिया गया है? 376 D में, DA में, DB में या DC में? सिक्स्थ क्वेश्चन, क्या होगा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर? निश वेलकम, प्लीज आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिए, प्लीज इतनी कृपा कीजिए आप लोग, सब लोग इतना फेवर कर सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर के साथ देंगे तो आप लोग मुझे इजी होगा कि आप कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, वो मुझे आइडिया ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नेहा वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट सेशन को लाइक करके भी आ जाओ,
इतना तो बनता है। सिक्स का मिलेगा डी ए, ठीक है 376 डी ए में प्रोविजन मिल जाता है ये, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो लोग क्वेश्चन का सिक्स का बी मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही है, आप लोग बिल्कुल सही है। चलिए, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन की बात करते हैं। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या लगता है आप लोगों को सेवंथ क्वेश्चन क्या होगा आंसर? असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन की बात करी जा रही है सेवंथ क्वेश्चन का, 355, 356, 359 या 358? सेवंथ क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है। राधिका ने सबसे पहले जवाब दे दिया है, उसका जवाब आया है यशस्वी का सही जवाब, फिर नेहा ने बताया सेवंथ का ए ऑप्शन, बाकी लोगों को क्या लगता है? यशस्वी डी, श्वेता डी, शिवांगी डी, उसके बाद शालिनी, राजदीप, करिश्मा, किरणदीश, लाडो ने भी जवाब दे दिया डी ऑप्शन, उसका ज्योति, नमो, प्रीति, तेजस्विनी, डी, जो लोग डी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया इसका। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, भागना नहीं है आज, याद रखिएगा टोटल 100 क्वेश्चन करके जाने सुबह सुबह, 100 क्वेश्चन जब तक नहीं खत्म होंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं हम लोग। चलिए, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरॉब, क्या लगता है आप लोगों को? और कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो डी, तिलक वेलकम, कौन कौन लोग हैं जो कि यूपी का एग्जाम दे रहे हो आप लोग? इसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो यूपी फोकस कर रहे हैं आप लोग, यूपी जिसने फॉर्म भर दिया है, अप्लाई कर दिया है, यूपी वाले लोग कौन है, कहाँ कौन कौन है यहाँ पे? एट का मुझे दिख रहा है बी ऑप्शन बहुत लोग, शिवांगी और कौन है यूपी के लिए, यूपी के लिए राधिका, पंजाब के लिए शालिनी ने भी अप्लाई कर दिया है, यशस्वी ने अप्लाई कर दिया है और ज्योति ने भी अप्लाई कर दिया है, क्योंकि कल आपकी लास्ट डेट थी याद रखिएगा, क्योंकि कल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी। ठीक है, तो आप नहीं भी भरा है तो आप भर नहीं पाओगे, ऑब्वियस बात है। शंभवी ने भर दिया है, श्वेता ने भर दिया है, छत्तीसगढ़ नीश, नीश ने छत्तीसगढ़, ओके। तो एट का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 354 बी की बात करते हैं, दे रहे हैं ओके, प्रीति ने भी, प्रीति दे रहे हैं। याद रखिएगा जो लोग यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, आज आपको 8 बजे रात में, 8 बजे, ठीक है, आज की तारीख में 8 बजे, 8 बजे आप लोगों को 150 MCQs मिलेंगे, पूरे 150 MCQs मिलेंगे, लॉ वाला जो था बेसिकली पार्ट, जो सेकंड पेपर होता है आपका, उसका फुल मॉक मिलेगा आपको। ठीक है, यूपी के लिए फुल मॉक, ठीक है। अब वो 8 बजे क्लास शुरू होगी, वो 10 साढ़े 10 जितने बजे तक चलेगी तब तक हम लोग करेंगे। ठीक है, ज्वाइन कीजिएगा, प्लीज कीजिएगा, अन अकेडमी ऐप पे मिलेगा आप लोगों को, अन अकेडमी ऐप पे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई पैसे नहीं लग रहे आप लोगों के, याद रखिएगा, कोई भी आपका 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि आपको लिंक दिख रहा है टेलीग्राम चैनल का मेरा, आनंद मिश्रा 10 दिख रहा है ना आप लोगों को, नहीं दिख रहा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को आनंद मिश्रा 10, यहाँ से ये टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कीजिएगा। हाँ, जो लॉ का पेपर होता है, लॉ का पेपर जो होता है, ठीक है, जो लॉ का पेपर होता है उसकी बात कर रहे हैं, ये देखिए आनंद आनंद मिश्रा सर 10 से मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। गीता वेलकम, क्या लगता है असॉल्ट है, क्या है? असॉल्ट है, यस असॉल्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बताइए जरा फटाफट क्या लगता है आप लोगों को 10th का? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं नीश, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सारे उसमें मेजर ही लॉज है ना, मेजर लॉज है सारे उसमें, सारे के सारे यूपी में मेजर लॉ ही है, लॉ वाले पॉइंट में, ठीक है, माइनर एक्ट नहीं है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं उसको। इवन पंजाब वालों के लिए बोलूंगा, पंजाब जो भी जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहे हैं सब लोग ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, सब लोग, 8 बजे का सेशन है। शिवांगी वेलकम, ठीक है, क्या लगता है 10th का क्या होगा, क्या यूज किया होगा पर्सन ने? पर्सन ने यूज किया क्रिमिनल फोर्स, करेक्ट, बी ऑप्शन जिसने से बोला है बिल्कुल सही बोला है आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सेक्शन हैं जो क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के रिगार्डिंग है, कौन से सेक्शन दिखेंगे आप लोगों को जो कि क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के रिगार्डिंग आपको मिलेंगे? 11th का क्या होगा आंसर? क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट 11th का, आर्यन ने जवाब दे दिया है बी ऑप्शन, राधिका का जवाब आ गया है बी ऑप्शन, फिर जवाब दिया है शंभवी ने बी ऑप्शन, फिर
फिर जवाब किसका आया, शालिनी, शिवांगी, ज्योति, फिर शिवांगी, तिलक, लाडो, गीता, किरण देश, खुशबू, नहीं खुशी सॉरी, राजदीप और नेहा ने जवाब दे दिया है बी ऑप्शन। बिल्कुल आपके आपके अंबे के साथ चलेंगे, बिल्कुल बी ऑप्शन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, नमो का भी जवाब आ गया है, वेल डन, यशस्वी ने जवाब दे दिया है। 349 की बात करते हैं, 349 की बात बताइए जरा फटाफट, कितने वेस प्रिस्क्राइब किए गए 349 के अंदर, 349 ऑफ आईपीसी। क्रिएटर्स ऑफिशियल्स वेलकम। सर यूट्यूब पे पोल नहीं होता कि नहीं नहीं शिवांगी नहीं होता इस पे, इसीलिए इसीलिए बता रहा हूँ ना आपको, ऐप पे आपको 8 बजे मिलेगी क्लास, ऐप पे भी रात में 8 बजे क्लास मिलेगी, वहां ज्वाइन कीजिएगा प्लीज, ठीक है। 349 में क्या लिखा गया है बताइए जरा जल्दी से। 12th का जवाब आना शुरू हो गया है, बहुत बच्चों का आ चुका जवाब, और एक साथ एक राय में 100% लोगों ने क्या कर दिया, जवाब बी बोल दिया है। थ्री वेज की बात कर रहे हैं सर हम लोग, तो बिल्कुल आप लोगों से हट के हम नहीं जाते हैं, ठीक है, मेजोरिटी ऑलवेज विन। चलिए, मियर वर्ड्स अमाउंट टू एन असॉल्ट, क्या लगता है आप लोगों को, क्या वर्ड ही काफी होते हैं असॉल्ट के लिए, क्या क्या मियर वर्ड्स अमाउंट्स टू असॉल्ट, बताइए। यस नो डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस या नन ऑफ द एबव, क्या होगा क्या होगा सबसे सही और सटीक जवाब आप लोगों के अनुसार। यस वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप लोग। नो ठीक है, ठीक है, गेस्चर ऑल्सो होना चाहिए, याद रखिए गेस्चर आपका जरूरी है, बिना मतलब वर्ड से आपका बेसिकली असॉल्ट नहीं होता, याद रखिए, ठीक है। आप मतलब सोचो ना, ऐसे खड़े होकर बोल रहे हो कि भाई मैं तुझे गोली मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, तो वो आपका कुछ नहीं होगा ना, असॉल्ट होगा ही नहीं जब तक आप आपके एक्शन, जो आपके एक्शन हैं, एक्शन से उसको सॉल्व ना हुआ, ठीक है, आप हड़का के बोलोगे तभी तो होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन अ ग्रेव प्रोवोकेशन, क्या लगता है आप लोगों को, ठीक है, होता है ना ऐसे, लग रहा है कट ऑफ हाई जाएगी, बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी, ये बिल्कुल जाएगी यशस्विनी, और हर एग्जाम की जा रही है, ऐसा नहीं है कि आप यूपी की बात करें, यूपी एपीओ में भी कट ऑफ ज्यादा गई थी, आपकी उत्तराखंड में भी गई थी, आप एमपी देख लीजिए, हर जगह देखिए, ये भी ऑनलाइन कॉम्पिटिशन जो हो गया ना बढ़ गया है, ऑनलाइन घर पर बैठे बैठे आप लोग जो कितने आपको फैसिलिटीज मिल रही है ना आप लोगों को, नए नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, बैचेस प्रॉपर रैपिड रिविजन बैचेस मिल रहे हैं, ये पहले नहीं हुआ करता 2-3 साल पहले ना, इतना इतना क्रेज नहीं था बच्चों को, तो उसका फायदा उठाइए आप लोग भी। फोर्टींथ का क्या होगा आंसर, यस करेक्ट, 250 सॉरी 352, 352 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 354A की बात करते हैं, 354A क्या है, 352 सॉरी 4A क्या है, जिसको क्लासेस अच्छी लग रही है प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, हमें मोटिवेट करने के लिए कि आपको चीजें पसंद आ रही हैं, मेन यही है, और कोई मोटिव नहीं है, ठीक है, आपको चीजें अच्छी लग रही है वही आपका मान लीजिए मेन मोटिव है। 354A की बात करते हैं, 354A क्या होता है, डी ऑप्शन मार्क कर दें, मैं भी मार्क करता हूँ डी ऑप्शन आपके साथ, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, ये सेक्शन पढ़ के जरूर जाइएगा, 354A, B, C, D, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोगों को, असॉल्ट इन ऑर्डर टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन इज पनिशेबल अंडर, किस सेक्शन के अंदर पनिशेबल होता है, मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन की बात करते हैं, क्या लगता है सबसे सही और सटीक जवाब क्या होने वाला है, बोल दो जल्दी 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 जल्दी। 16th का ABCD क्या होगा, 350, 354, 352, 356, तो सबसे 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 सब, सब सही जवाब आने शुरू हो गए हैं सबके, 16th का CCC, ठीक है, 354, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असॉल्ट कैनॉट बी कॉज्ड बाई, असॉल्ट कैसे कॉज नहीं हो सकता है, मियर वर्ड्स, गेस्चर, प्रिपरेशन, एनी ऑफ द एबव। 17वें क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, 27 लोग लाइक देख रहे हैं, क्या ये आंकड़ा और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बताओ जल्दी से, शेयर कर दो यार जल्दी से लाइक,
लाइक कीजिए सेशन को, शेयर करके जल्दी बता दो अपने दोस्तों को कि आ जाओ भैया, 100 क्वेश्चन हो रहे हैं आईपीसी के, अभी 17 क्वेश्चन हुए हैं, अभी भी बाकी है ना, पिक्चर अभी बाकी है अभी। सर यू ऑलवेज एस्पायरिंग अस फॉर मट है वो के क्या ऑफिशियल, आपका नाम क्या है ऑफिशियली, क्या क्या नाम है, क्रिएटर ऑफिशियल्स, पहली बार देख रहा हूँ मैं क्लास में, लेकिन आपको क्या लगता है, असॉल्ट कैन नॉट बी कॉज्ड बाई, सब लोग ज्वाइन रहो, कनेक्ट रहो टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, कभी भी कोई अपडेट मिलेगा सब मिल जाएगा आप लोगों को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और सेलेक्ट होके आइए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। असॉल्ट कैन नॉट बी कॉज्ड बाई मियर वर्ड्स, अभी तो पढ़ा था हम लोगों ने मियर वर्ड्स, ठीक है, मियर वर्ड्स, ओके रूबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनैपिंग इज ऑफ, किडनैपिंग के कितने तरीके होते हैं, किडनैपिंग कितने तरीके से हो सकती है। चलिए चलिए चलिए, स्पीड सही चल रही है हमारी, हम लोग 100 क्वेश्चंस कर लेंगे एक बेस, पहले पहले स्पीड हमारी ऑलमोस्ट ठीक चल रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यस अमन आया था मैसेज मेरे पास, ठीक है, अमनदीप का बात भी हुई थी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, देखो पढ़ा हम सबको सेम रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेट होइए अपने आप, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइए, सिलेक्शन होगा आपका भी होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, ये सब मोटिवेशन के तरीके ही है और कुछ नहीं है, दो काइंड्स की आपको देख ली, किडनैपिंग मिल जाता है, ठीक है। चलिए, द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 361 आईपीसी इज बेसिकली अगेंस्ट, क्या लगता है आप लोगों को किसके अगेंस्ट होता है, और याद रखिएगा 15 तारीख संडे को आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसको जरूर अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, आपको रैंक पता चलेगी कि ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी क्या आ रही है बेसिकली, ठीक है, जितने बच्चे भी अपेयर होंगे आप लोगों को, ठीक है, आपको मौका मिलेगा, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तब भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कम से कम अपनी रैंक इवॉल्व करने के लिए कितना आप परफॉर्म कर रहे हो, कैसा परफॉर्म कर रहे हो, वो आपको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, और जिसने बेसिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, अगर आप अच्छा करते हो तो आपको अच्छा ऑफर मिल जाएगा, स्कॉलरशिप आप 100% जी सकते हो, फ्री में आप कोचिंग कर सकते हो, ठीक है, तो सबसे दिमाग रखिए, जरूर उसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा टेस्ट को। क्या लगता है, लॉफुल गार्जियन, यस डी की तरफ चलते हैं हम, लॉफुल गार्जियन की बात हम लोग करते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन चल जाते हैं हम लोग, ठीक है। आज जिसको भी चैट ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसको भी मेरा चैट ग्रुप करना है ज्वाइन, चैट ग्रुप टेलीग्राम का, जिसमें आप चैट भी कर सकते हो, तो आनंद मिश्रा ये सेव कर लो, स्क्रीनशॉट खींच लेना, सर आनंद मिश्रा सर अगर आप टाइप करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का चैट ग्रुप मिल जाएगा, चैट ग्रुप, ठीक है, इसमें कभी भी कोई दिक्कत हो आप लोग तो पूछ सकते हैं, ठीक है, डन, आनंद मिश्रा सर के नाम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सेक्शंस डील्स विद किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी और फोर्स लेबर, क्या लगता है कौन सेक्शन बात करते हैं भैया, कहां से कहां तक के प्रोविजन है जो किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी और फोर्स लेबर की हम लोग बात करते हैं, क्या लगता है, क्या लगता है, बी डी क्या होगा आंसर, बहुत लोग डी ऑप्शन मार्क कर रहे हैं, कौन कौन डी मार्क कर रहा है, कौन कौन बी, देखते हैं हम लोग 20th का, ओके बहुत लोगों के जवाब आ गया डी ऑप्शन, तो डी वाले बिल्कुल सही हो, बी वाले लोग गलत हैं, ठीक है, डी वाले बिल्कुल सही है, 74 तक के प्रोविजंस मिल जाते हैं आप लोगों को, क्लियर है, क्यों, क्योंकि रेप कहां से स्टार्ट होता है, सोचो सोचो ना, रेप कहां से स्टार्ट होता है, रेप वाला प्रोविजन कहां से स्टार्ट होता है, रेप वाले ऑफेंसेस सोचिए, रेप वाले ऑफेंसेस कहां से स्टार्ट होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस 375 में रेप की डेफिनेशन है ना, रेप को डिफाइन किया गया है, तो सोच लो इससे पहले ही तो होगा, एक बीच में एक सेक्शन कैसे गायब कर दोगे, सोचो ना, ये भी तो सोचो, आप 373 जो मार्क कर रहे हैं जो लोग, वो सोचो उसके बाद थोड़ा सा, ये भी थोड़ा दिमाग लगा के करा करो ना आप लोग, कि उसके बाद क्या प्रोविजन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे अपने आप आइडिया लग जाएगा, तो ये दो सेक्शन ये वाले तो दो ऑप्शन ही एक्सक्लूड हो जाते हैं अपने आप ही, तो थोड़ा सा चिल माइंड होके करोगे ना, चिल चिल होके, पेपर में बता रहा हूँ अभी नहीं कह रहा, पेपर के लिए बता रहा हूँ आपको, थोड़ा काम होके करोगे तो अपने आप चीजें, बहुत सारी चीजें आपको पेपर में खुद ही लिखी होती हैं, ठीक है, एक्सक्लूड करना सीखो चीजों को। चलिए 153 डबल ए की बात करते हैं, किस ईयर में इंक्लूड किया गया था, 153 डबल ए, 153 डबल ए, क्या लगता है आप लोगों को,
153AA. करेक्ट 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 करेक्ट, जिसने से जवाब दिया है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। चलिए, द एक्सप्रेशन डिसअफेक्शन अंडर सेक्शन 124A इंक्लूड्स, तो 124 में जो डिसअफेक्शन मिलता है आप लोगों को वो क्या कहलाता है, बताइए जरा। डिसअफेक्शन की बात करते हैं, क्या कहलाता है और कितनी गलत बात है ना। देखो, 28 स्टूडेंट, 29 स्टूडेंट लाइव है, और कमेंट लाइक किसने किया, 19 बच्चों ने, बाकी 10 लोग क्यों नहीं कर रहे हैं लाइक सेशन को, अच्छा नहीं लग रहा अभी तक। सर सोचना है अभी है कि सर सोचते हैं अभी पहले लाइक के बारे में ना, सर क्या अच्छा लग रहा है या नहीं है ना। 100 क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे हम लोग। क्या लगता है आप लोगों को, द एक्सप्रेशन डिस अफेक्शन अंडर सेक्शन 124A, क्या लगता है आप लोगों को? बहुत लोग गलत बोलेंगे, बहुत लोग गलत बोलेंगे इसका आंसर, मुझे पता है, मुझे पता है। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ, बताओ, दूसरा चांस दे रहा हूँ, दोबारा एक्सक्लूड समझ लो सही, जो सब लोग गलत बता रहे हो, सब लोग गलत बता रहे हो, और बोलो, ऑप्शन चेंज कर लो, ये नहीं है, और बोलो 22 का ये नहीं है, और बताओ। इसको बार बार इसलिए कराता हूं मैं, शरफ वेलकम, बार बार इसलिए कराता हूं क्योंकि इसको बार बार आप गलत करते हो, हर जगह मैं इसको इसलिए बार बार कराता हूं, हमेशा याद रखिएगा, आपको यहाँ पे 2 ही वर्ड मिलेंगे, डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी, ठीक है, ये मिलेगा, ये हार्टेड वर्ड आपका नहीं है, याद रखिएगा, ये वर्ड है ही नहीं, ये गलतियां मत करो, ठीक है, क्लियर सबको, ऑल क्लियर? तो रट लेना, 2 ही वर्ड है, हार्टेड वर्ड नहीं है, डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी की हम लोग बात करते हैं, ठीक। चलो, ये फायदा होता है बुक से, बुक में पढ़ने और यहाँ पे एमसीक्यूज करने में, ठीक है। बुक्स में क्या होता है, रटते हो ना चीजें, फिर आप कि बी ऑप्शन था या ये था, इसलिए बोल रहा हूँ आपको, बुक्स में हम लोग क्या करते हैं, बस वो टिक लगाते हैं, अच्छा आंसर दिया है, टिक लगा दिया हमने, करते चले गए। हाँ, नेक्स्ट टाइम गलत होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एग्जाम तब नहीं क्लियर होगा, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ना, 23 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। सबसे पहले 23 का क्या आ गया जवाब, 23 का जवाब आ गया आर्या का, उसका जवाब दिया है राधिका ने, उसका जवाब दिया है शाली ने, फिर किरण देश, ज्योति, वेल डन वेल डन वेल डन। हाँ, होते हैं यूनिवर्सल की भी तो बुक के एमसीक्यूज हैं, ऑब्वियस बात है, ठीक है, वहां भी होते हैं, बहुत सारे मिलेंगे, सिंगल्स मिलेगी आपको, बहुत पब्लिकेशन तो आजकल बहुत मिल जाते हैं आपको। 23 का बी आपका, 124 की हम लोग बात करते हैं, 124 मिलेगा आप लोगों, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोगों की स्क्रीन पे, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डील्स विद द ज्वाइंट सॉरी ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विथ डेडली वेपन, डेडली वेपन की बात करते हैं, ज्वाइनिंग अनलॉफुल आर्म्ड फोर्स सॉरी असेंबल फोर आर्म्ड विथ डेडली वेपन्स, 144, 134, 143 या 148, क्या होगा, क्या लगता है आप लोगों को, किस सेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विथ डेडली वेपन, 24 का क्या, ए, ओके, ए की तरफ हम चल जाते हैं, चलेंगे सब, सब लोग चलते हैं ए की तरफ, 144 सही होगा जवाब। चलिए, 25वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, 124A की बात करते हैं, वॉज इंसर्टेड बाई, किस एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया था, पूछा जाता है बार बार आपसे, 124A, 124A कौन से ईयर में इंक्लूड किया गया, किस एक्ट के थ्रू क्या किया गया, बताइए जरा जल्दी से, क्या लगता है सबसे सही जवाब। बहुत लोग पीछे चल रहे हैं, प्लीज आप लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रेश कर लीजिएगा जब आप मुझे सुनेंगे, ठीक है, आप मतलब बहुत लोग एक एक मिनट पीछे चल रहे हैं, तो आप लोग रिफ्रेश करके आगे आ जाइए। साक्षी वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जो लोग पीछे चल रहे हैं रिफ्रेश करके वापस आइए, बिल्कुल लाइव आइए लाइव, जो लोग पीछे चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको मिलेगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही, 27 एक्ट ऑफ 1870, ठीक है, ठीक है, डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, गुड मॉर्निंग साक्षी, मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर सेक्शन 121, 121 में मैक्सिमम पनिशमेंट की बात करते हैं, क्या लगता है आप लोगों को, मैक्सिमम पनिशमेंट 121 में क्या दिया गया है, मैक्सिमम पनिशमेंट 121 में बताइए,
मैक्सिमम पनिशमेंट 121 में क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? तो वो दिया गया बेसिकली, सही 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 जवाब सबका, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की बात करते हैं, लाइफ। चलिए अगले क्वेश्चन थोड़ा प्रस्थान करते हुए हम लोग, बताइए जरा मुझे किस सेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं 27वें क्वेश्चन में। अबेटिंग म्यूटिनिटी म्यूटिनिटी म्यूटिनी सॉरी और अटेम्प्टेड टू सेड्यूस अ सोल्जर सेलर और आर्म मैन एयरमैन सॉरी फॉर इज ड्यूटी। तो क्या लगता है आप लोगों को, विद्रोह करने के उसमें है बेसिकली, सेना विद्रोह की बात करते हैं। तो क्या लगता है किस सेक्शन में प्रोविजन मिलता है आप लोगों को? किस सेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग? तो बहुत लोग बी ऑप्शन बोल रहे हैं, तो बी ऑप्शन की तरफ हम लोग आग बंद करके चले जाते हैं, बी ऑप्शन की तरफ 131। चलिए, ऑफेंसेस कमिटेड इन प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप एक्सेट्रा इज डेल्ट अंडर, क्या लगता है आप लोगों को? ऑफेंसेस ऑफेंस कमिटेड इन अ प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप एक्सेट्रा इज डेल्ट अंडर किस सेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं? 152 बी की, 153 ए की, 153 डबल ए की, या 153 बी की? 28वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है, जिसे आपको मार्क करना जरूरी। क्या होगा सबसे सटीक और सही जवाब 28वें का? क्या लगता है आप लोगों को? सबसे पहले जवाब दिया किसने देखते हैं, दीपिका ने दे दिया, उसके नमूने, उसके बाद जवाब किसका आया, शालिनी, साक्षी, किरण देश, ज्योति, शिवांगी। वेलकम, तीन तीन शिवांगी लगा शायद क्लास में है, एक शिवांगी सिंह है, एक शिवांगी मल्होत्रा है, एक और तो कोई और भी शायद शिवांगी थी, नहीं है, दो ही है। ओके, फिर खुशी ने जवाब दे दिया है, फिर श्वेता ने, उसके नेहा ने, वेल्डन वेल्डन, बहुत सही, आप लोग सही जा रहे हैं, तो आपको मिलेगा 153 ए। ठीक है, चलिए, हार्बरिंग पर्सन हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली इज डेल्ट अंडर, क्या लगता है आप लोगों को? हार्बरिंग पर्सन हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली इज डेल्ट अंडर, लगता है राधिका? वेलकम, 29 हो गए क्वेश्चन हमारे, 30वें क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करने वाले। मेगा वेलकम, बहुत देर बाद आए आप, बहुत लेट आज, कैसे? क्या लगता है आप लोगों को 29th का क्या होगा? क्या हो गया 29th का? ए नहीं होगा, ए नहीं होगा क्या? बी वाले लोग जो बोल रहे हैं ए नहीं है, 157। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है प्रतिष्ठा वेलकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, 30वां क्वेश्चन आ गया है आपका आज की तारीख का। टोटल 100 क्वेश्चन है, हम लोग 100 कवर क्वेश्चन कवर करेंगे तभी रुकने वाले हैं हम लोग, उससे पहले नहीं रुकने वाले। तो बताइए जरा जल्दी से कितना फाइन होगा? वेन एवर इज अ मेंबर सॉरी हु एवर इज अ मेंबर ऑफ एन अनलॉसफुल असेंबली शैल बी पनिस्ड विथ इंप्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू डैश 157। ए तो है ही नहीं सर, बेरक में है ना, सही बात। ठंड बहुत है, ठंड कहाँ है यार, ठंड कहाँ है मेगा, ऐसे ही जो टी शर्ट में बैठ के यहाँ बैठे हैं, आप कह रहे हो ठंड है। क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा जवाब? सही जवाब क्या होने वाला है? सही जवाब होना है 6 महीने की बात करते हैं, 6 महीने। जिसने बी बी बो ऑप्शन बोला है वो बिल्कुल सही लोग हैं, ठीक है, जिसने ए बोला है वो गलत है बिल्कुल, ए नहीं है, बी आपका। अरे कुछ नहीं है ऐसे, वो सोच की बात है, मेंटेलिटी की बात है, जब पेपर मुश्किल लगता है तो होगा, जब नहीं लगता तो बिल्कुल ईजी होगा, बिल्कुल खत्म बात, इतना टेंशन रखो। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग सब लोग। Whoever guilty of writing shall be punished with the imprisonment which may be description of a term which may be extend to dash or with fine or with both, क्या होने वाला है सर जी? 157 ही होगा, 153 ए कैसे? अरे 153 ए मैंने बोला है कहाँ है बताओ, 153 कहाँ बोला है मैंने, 157 ही तो बोला है, 157 ही तो बोला है मैंने, मैंने भी। चलिए बताइए फटाफट 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 जवाब दे दीजिए, 31st का क्या होगा जवाब?
31st क्वेश्चन का क्या होने वाला है जवाब, जल्दी बताइए मुझे। क्या लगता है 31st क्वेश्चन का जवाब होगा बी ऑप्शन, 2 साल आपका सही जवाब, 2 years। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, बताइए मार्क्स मास ड्रिल या मास ट्रेनिंग करा रहे हैं बेसिकली विद विद पाम्स आर्म्स की बात कर रहे हैं। नमस्ते लाडले, नमस्ते। याद रखिएगा 8 बजे शाम में सेशन है अनअकैडमी ऐप पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आनंद मिश्रा सर के नाम से मिल जाएगा आपको चैनल, आनंद मिश्रा सर के नाम से। वहां पे आपको 8 बजे यूपी का प्रॉपर फुल मॉक मिलने वाला है, यूपी जुडिशरी का फुल मॉक मिलने वाला है लॉ का, ठीक है। सब लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, चाहे वो आप पंजाब जुडिशरी दे रहे हैं एग्जाम या छत्तीसगढ़, सबके लिए हेल्पफुल होगा, याद रखिएगा। थर्टी 2 का सी ऑप्शन, 153AA की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, 153AA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, थर्ड क्वेश्चन, कॉमन ऑब्जेक्ट वर्ड इज यूज्ड अंडर सेक्शंस, क्या लगता है किस सेक्शंस में कॉमन ऑब्जेक्ट वर्ड यूज किया गया है। उत्कर्ष वेलकम, क्या लगता है यार, जल्दी शेयरिंग करो यार, 34 स्टूडेंट्स हैं, क्या 50 नहीं होंगे क्या आज? आज 50 तो कम से कम लाइव बैठे हैं बच्चे। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होगा, इधर हम खुद आ गए लेके नहीं आएंगे दोस्त को, अपने दोस्त को शेयर नहीं करेंगे। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सबसे सही जवाब, आपकी स्क्रीन पे आ गया है बिल्कुल सही जवाब, 141, 146 और 149। मुझे लग रहा है बिल्कुल कट ऑफ आई करवाओगे आप लोग, और चाहता भी हूं मैं, ठीक है, बिल्कुल कट ऑफ आई करवाइएगा, ठीक है। कोई माइनर डिस्ट जो आपको बेसिकली सिली मिस्टेक मत कीजिएगा पेपर में, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। सब लोग जिस जिस एग्जाम को दे रहे हैं आप लोग, चाहे वो पंजाब जुडिशरी हो, छत्तीसगढ़ हो, या आप अभी यूपी के लिए अपीयर हो रहे होंगे। चलिए बताइए, असोल्टिंग प्रेसिडेंट गवर्नर एक्सेट्रा की बात करते हैं, उसमें पनिशमेंट कितनी मिलेगी आपको, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स या 7 ईयर्स का प्रोविजन है, बता दो जल्दी से। असोल्टिंग प्रेसिडेंट गवर्नर एक्सेट्रा की बात करते हैं हम लोग, क्या होगा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर। तो आ गए हैं बहुत लोग, जवाब शुरू हो गए हैं, किरणदेश ने जवाब दे दिया, फिर शिवांगी ने, फिर मेघा, लाडले, साक्षी, सरब ने जवाब दे दिया, उसका जवाब दिया है राधिका ने, फिर दीपिका, नेहा, खुशी, शिवांगी, प्रतिष्ठा, शिवांगी, लाडले, क्रिएटर ऑफिशियल्स, उत्कर्ष, नमो और लाडो, नीश ने जवाब दे दिया, वेल डन, सबके जवाब सही आ गए हैं बिल्कुल, डी ऑप्शन, 7 साल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, 7 ईयर्स। चलिए ऑफेंस अंडर सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी इज, तो क्या लगता है, ज्योति का जवाब आ गया है, 124 की बात करते हैं ऑफेंस में, तो 124 का ऑफेंस किस नेचर का है, 124 का ऑफेंस किस नेचर का मिलेगा आप लोगों को, क्या वो बेलेबल एंड कॉग्निजेबल है, बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल मिलेगा, या नॉन बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल आपको मिलता है। सर मैं लेट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से आने की ट्राई करो नेक्स्ट टाइम से। ऑफेंस अंडर, और जिसने आपका सीआरपीसी नहीं किया सीआरपीसी कर लीजिए, कल हम लोग सीआरपीसी कर चुके हैं ऑलरेडी, 100 क्वेश्चंस सीआरपीसी का सेशन हो चुका है ऑलरेडी कल का, तो आपको नॉन बेलेबल एंड कॉग्निबल केस मिलेगा, ठीक है, नॉन बेलेबल और कॉग्निबल केसेस मिले केस मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, 124A का ट्रायल कौन करता है, 124A का ट्रायल किसके पास इम्पावरमेंट है, कौन इम्पावर्ड है 124A का ट्रायल करने के लिए, कौन इम्पावर्ड है बताइए, 124A को ट्राई करने के लिए कौन एम्पावर्ड है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सीजेएम, हाई कोर्ट, या आपका कोर्ट ऑफ सेशन, बताइए जल्दी 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 बताइए। 124A की बात करते हैं, 124A, 124A की बात करते हैं, तो कोर्ट ऑफ सेशन आपको मिल जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। चलिए 37th क्वेश्चन का जवाब, चैप्टर 7 ऑफ आईपीसी क्या कहता है, चैप्टर 7 ऑफ आईपीसी क्या कहता है, बताओ जल्दी से, चैप्टर 7 ऑफ आईपीसी क्या बात कर रहा है, कहां से कहां तक प्रोविजन है चैप्टर 7 में, चैप्टर 7 के प्रोविजन आपको सी ऑप्शन बहुत लोगों ने मार्क कर दिया है, वेल डन, 131 से लेके 140 तक के प्रोविजन मिल जाएंगे, ठीक है, कोई गलती का स्कोप ना छोड़िएगा,
जहां आज गलतियां हो रही है उसको इम्प्रूव कर लो, अभी भी टाइम है आपके पास, 1 महीने का टाइम अच्छा खासा है अभी, ठीक है। ऑफेंस ऑफ राइटिंग अंडर आईपीसी, तो राइटिंग का ऑफेंस क्या नेचर मिलता है आप लोगों को, राइटिंग का नेचर क्या मिलता है आप लोगों को, राइटिंग का नेचर क्या मिलता है आप लोगों को, कैसा होता है राइटिंग का नेचर, क्या लगता है आप लोगों को, ऑफेंस ऑफ राइटिंग। याद रखिएगा कॉग्निबल एंड बेलेबल होता है, कॉग्निबल एंड बेलेबल आपको मिलेगा 38 का, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। जैसे जैसे मार्क किया ए ऑप्शन, बिल्कुल सही मार्क किया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, पनिशमेंट फॉर एफरे अंडर 160, तो 160 जो बात करते हैं एफरे की, 159 में अपने एफरे की डेफिनेशन है, 160 में आपका पनिशमेंट है, तो कितनी पनिशमेंट दी जाती है एफरे केस, एफरे केस में कितनी मिलती है, एफरे के केस में कितनी पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले जवाब देखते हैं 39 का किसका आ गया है, बहुत लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है और बहुत लोग एबीसीडी करते हैं। प्लीज आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ जवाब दे दो, मुझे मेरे लिए इजी रहेगा कि आप किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, वो मेरे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा पता करना कि कितने लोग, 39 का ए आपको देखने मिलेगा, ए 1 महीने की सजा और 100 रुपये तक का फाइन, ये दोनों हो सकता है आप लोगों को। चलिए 40th क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है, बताइए जरा। क्या लगता है 40वां क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, चालीसवें क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, क्या लगता है आप लोग जल्दी बताइए। तो 40वें क्वेश्चन का आंसर आपको सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, 7 साल आपको मिल जाए, 7 इयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टैंप, काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टैंप का प्रयोजन क्या लगेगा आपको, काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टैंप की बात करते हैं, काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टैंप 252, 253, 254, 255, 252, 253, 255, 254 या 255। फोर्टी फर्स्ट का क्या होगा आंसर, 41st का क्या हो गया, 251st का, जरा बेरक जाके देखो एक बार बेरक देखो, एक बार बेरक खोलो सब लोग जो जो मार्क कर रहे हैं सी ऑप्शन, क्या लगता है, यस डी ऑप्शन जो जो मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही, 255 में मिलेगा आप लोगों को। काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प की बात करते हैं, गवर्नमेंट स्टैम्प, गवर्नमेंट स्टैम्प वर्ड देखो, ठीक है, डी ऑप्शन जो जो मार्क कर रहे हैं उनका सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आ गया है, पनिशमेंट फॉर सेल ऑफ काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टैंप, कितनी पनिशमेंट होती है, पनिशमेंट फॉर सेल ऑफ काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टैंप का प्रोविजन बताते हैं आपको, जल्दी बताइए। क्या लगता है आप लोगों को, फोर्टी टू का, बहुत लोगों ने सी ऑप्शन मार्क करना शुरू कर दिया है और मुझे सी ऑप्शन बहुत लोग दिख रहे हैं, तो बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 7 साल की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, 43 क्वेश्चन क्या है, सेक्शन 263A, पनिशमेंट फॉर प्रोहिबिशन ऑफ फिक्टिशियस स्टाम्प शैल बी पनिशेबल विद, कितना पनिशमेंट होता है, 43 की बात करेंगे, 43 का क्या होगा आंसर, 43 का क्या होगा सबसे सही जवाब,
लगता है बी ऑप्शन सही है। यस, बी की तरफ हम लोग मार्क कर देते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन 200 रुपए तक का आपको फाइन मिलेगा। चलिए चैप्टर 13 की बात बताते हैं। चैप्टर 13 क्या कहता है? चैप्टर 13 चैप्टर 13 की बात करते हैं। चैप्टर 13 डी ऑप्शन, बहुत लोगों ने डी ऑप्शन मार्क करने शुरू कर दिए हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन ऑफ द ऑफेंस रिलेटेड टू वेट एंड मेजर्स, वेट एंड मेजर्स। ठीक है, चलिए 45th क्वेश्चन बताइए जरा जल्दी से मुझे, आराम से पढ़ के। 45th क्वेश्चन बताइए पढ़ के आराम से। 45th क्वेश्चन, फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन बताइए फटाफट। ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 46 बताइए। डिसओबिडेंस टू क्वारंटाइन रूल इज प्रोवाइडेड अंडर, 46 क्वेश्चन। डिसओबिडेंस टू क्वारंटाइन रूल इज प्रोवाइडेड अंडर, यस करेक्ट, 271 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, पनिशमेंट फॉर डिसऑबिडेंस टू क्वारंटाइन रूल, पनिशमेंट फॉर डिसऑबिडेंस टू क्वारंटाइन रूल पनिशमेंट फॉर डिसओबिडेंस टू क्वारंटाइन रूल कितनी पनिशमेंट? छह महीने की बात करते हैं। 6 महीने का प्रोविजन मिलेगा आप लोगों को, 6 महीने का प्रोविजन। ठीक है, 48th क्वेश्चन बताइए जरा जल्दी से। 48th क्वेश्चन, सेक्शन 274 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 274 ऑफ आईपीसी क्या है? सेक्शन 274 अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं। अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स मिलेगा आपको। ठीक है, करेक्ट, इतना सही है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हूएवर कमिट्स अ पब्लिक नुसेंस इन एनी केस नॉट अदरवाइज पनिशेबल बाय दिस कोड शैल बी पनिश्ड विद अ फाइन व्हिच मे बी एक्सटेंड टू, कितना होगा? क्या लगता है? 49th क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? Whoever covered commits a public nuisance in any case not otherwise provided under punishable under by this court, ठीक है, जो कि punishable यहां पे दिखता ही नहीं है जिसका प्रोविजन, क्या लगता है कितना पनिशमेंट, कितना?
बोलो जल्दी जल्दी, किसने सही जवाब दिया देखते हैं। 49th क्वेश्चन का जवाब किसका सही आया, किसी का आया है सही जवाब? 49th, 49th, 49th का किसी का अभी तक सही जवाब नहीं आया है। 49th का फाइन 200 रुपये तक का, 200 रुपये का फाइन मिलेगा आप लोगों को। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, डी 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 डी, ठीक है। चलिए 50th क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे। कंटिन्यूशन ऑफ न्यूसेंस आफ्टर इंजंक्शन टू डिसकंटिन्यू, क्या लगता है? कंटिन्यूशन ऑफ न्यूसेंस आफ्टर आफ्टर इंजंक्शन टू बी डिसकंटिन्यू, क्या लगता है? कंटिन्यूशन ऑफ, कंटिन्यूशन ऑफ न्यूसेंस आफ्टर इंजंक्शन टू डिसकंटिन्यू, क्या लगता है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही, 291 की बात। क्या लगता है आप? 291, ठीक है, क्लियर सबको? ऑल क्लियर? ठीक है डन। मैंने दिया था सर, क्या दिया था? अच्छा फाइन दिया था, ओके ठीक है। ठीक है क्लियर है सबको? अरे बैकग्राउंड चलता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन चल चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेल एक्सेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स एक्सेट्रा की बात करते हैं, ठीक है। क्या लगता है आप लोगों को? सेल एक्सेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स की बात करते हैं, एक्सेट्रा, क्या लगता है आप लोगों को? भाई बैकग्राउंड म्यूजिक से हम लोग बंद नहीं करते ना चीजों को, ये हमारे हाथ में नहीं है। चलिए बताइए, सेल एक्सेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स एक्सेट्रा की बात करते हैं, क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है आप लोगों को? ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट, 292 की बात करते हैं हम लोग, 292, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 सेकंड, सॉरी 52 क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? सेक्शन 292 की बात करते हैं, जो कि इन इवेंट ऑफ सेकंड ऑफ सब्सीक्वेंट कन्विक्शन, किसमें? सेकंड और सब्सीक्वेंट कन्विक्शन केस में बताइए कितना फाइन होगा, क्या हो गया इसको, चल क्यों नहीं रहा पेन को, ठीक है। क्या लगता है आप लोगों को? फिफ्टी सेकेंड का क्या होगा आंसर, 52nd क्वेश्चन का क्या? भाई कुछ कुछ क्वेश्चन लगता है मुझे ना, पहले पहले बच्चा देखते हैं जो कौन किसने मार्क कर दिया, फिर उसी को हम मार्क कर देंगे, है ना? ऐसा ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। डी ऑप्शन है, मे एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज, सेकेंड के सब्सिक्वेंट ऑफ इट की बात कर रहे हैं, 5 ईयर्स और फाइन विथ मे बी एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 53rd क्वेश्चन, सेल एक्सेट्रा ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट टू यंग पर्सन, द यंग पर्सन रेफर, यहाँ पे यंग पर्सन की डेफिनेशन क्या लगती है आप लोगों को? यंग पर्सन की डेफिनेशन कितनी लगती है? सेल एक्सेट्रा ऑफ द यंग पर्सन, क्या लगता है आप लोगों को? सेल एक्सेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स टू यंग पर्सन, द यंग पर्सन रेफर्स इन, क्या लगता है? रेफरेंस की बात करते हैं,
ऑडियो में इको तो नहीं आ रहा है ना आप लोगों को, किसी को ऑडियो में इको तो नहीं आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, मतलब ऑडियो वैसे क्लियर है ना? ये सब ठीक है, थैंक यू सो मच। फिफ्टी थ्री का बताइए क्या लगता है आप लोगों को, आंसर कितना होगा? यंग पर्सन, तो 20 साल की उम्र की बात करते हैं, 20 साल एज की, 20 साल एज। चलिए, ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग शैल बी पनिश्ड विथ, ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग शैल बी पनिश्ड विथ, क्या लगता है आप लोगों को ऑब्सीन एक्ट और सॉन्ग्स की पनिशमेंट कितनी होती है? ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स शैल बी पनिश्ड विथ, 1 घंटे में हमने 54 क्वेश्चंस कर लिए ना, 1 घंटे में 54 क्वेश्चंस कर लिए हमने ऑलमोस्ट ना। ट्राई करेंगे एक बजे से पहले सेशन को ओवर कर लें, ठीक है? थोड़ा जल्दी जल्दी करीजिएगा आप लोग भी, थोड़ा हम लोग 1 बजे से पहले पहले सेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? 1:50 मतलब 1:12:50 तक कोशिश करेंगे, 12:50 से 45 तक कवर कर लें, ठीक है? यस, 52 का बी सही है, बिल्कुल सही जवाब, बी सही है। चलिए बताइए जरा, डिस्ट्रीब्यूट कॉम्पैक्ट ए डिस्ट्रीब्यूट कॉन सॉरी कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी टू बी अ मेजर ऑफ 19 ईयर्स ऑफ एज फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट ऑब्सीन पिक्चर्स एंड रिक्रिएशंस, ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, क्या लगता है आप लोगों को ए ने कमिट किया होगा ऑफेंस? फिफ्टी फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या लगता है? यस, 55 का भी 293 मिलेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटकन रूल्स की बात करते हैं, सॉरी हिकलिन रूल जो है बेसिकली वो किससे रिलेटेड है, आपका आईपीसी में किससे रिलेटेड रूल है ये बताइए जल्दी से फटाफट, जवाब दे दो मुझे, क्या लगता है आप लोगों को सही जवाब? सर सेक्शंस रिवाइज करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे, जो थोड़े से ऑड सेक्शंस लगते हैं ना जो आपने नहीं पढ़े बार बार उसको रिवाइज करो पहले, ठीक है? जो ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर्स ये जो रिवाइज नहीं करते आप लोग, ठीक है? क्योंकि ऑफेंस अगेंस्ट बेसिकली आप देखते हो प्रॉपर्टी ह्यूमन बीइंग वाले तो हमें याद रहते हैं, ठीक है? बाकी सब लोग सेक्शंस थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, जनरल एक्सेप्शंस याद रहते हैं हम लोगों को हमेशा, ठीक है? जो बाकी पार्ट नहीं रिवाइज रहते उसको रिवाइज करो बार बार, ठीक है? 292 की बात करते हैं, ठीक है? ऑप्शन एक के रिगार्डिंग मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, Whoever kept any office or place for purpose of drawing a lottery not being dashed shall be punished with the imprisonment, क्या लगता है आप लोगों को लॉटरी कौन अलाउ करता है? हाँ, इसीलिए कह रहा हूं, देखो वही कट ऑफ में आपको ऊपर ले जाएगा, बात ये है, देखो सिलेक्शन होना ना होना कट ऑफ के ऊपर जा रहे हो नहीं जा रहे हो उसी पे डिपेंड करेगा, जो सबको आता है वो 12 पढ़ रहे हो आप लोग तो फिर वो गलत है ना, जो सबको आता है वही आप पढ़ रहे हो आप भी तो फिर कोई नया चीज नहीं मिलेगा ना आप लोगों को, कॉन्सेप्ट ही नहीं मिलेंगे। क्या लगता है आप लोगों को? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आई स्टेट लॉटरी और लॉटरी ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 58 क्वेश्चन तरफ, कीपिंग लॉटरी ऑफिस इज प्रोवाइडेड अंडर, तो लॉटरी ऑफिस का प्रोविजन आपको कहां मिलेगा? कौन से लास्ट क्वेश्चन का आंसर, किस किसकी बात कर रहे हो, क्रिएटर ऑफिशियल्स कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? लास्ट क्वेश्चन अभिजीत वेलकम, ये तो लास्ट क्वेश्चन है, इतना लास्ट क्वेश्चन स्टेट लॉटरी और क्या लॉटरी ऑथराइज भाई, और ये से पहले 292 56 क्वेश्चन का जवाब, उसके बाद फिर आपका स्टेट लॉटरी,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कीपिंग लॉटरी ऑफिस इज प्रोवाइडेड अंडर किस सेक्शन में आपको मिलेगा कि लॉटरी ऑफिस की बात करते हैं हम लोग। 58 क्वेश्चन का क्या होगा जवाब? 58 का बता दिया आप लोगों ने समय। ओ हो, डी ऑप्शन बता दिया सब लोगों ने पहले से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे बताइए जरा, क्या लगता है आप लोगों को कितने पनिशमेंट होती है आप लोगों को, क्या लगता है कितनी पनिशमेंट होगी? जल्दी बताइए 59th क्वेश्चन का जवाब। 40 क्वेश्चन बच जाएंगे इसमें तो हार्डली आपको, ठीक है 41 क्वेश्चन में से 292 है उसका आंसर, ठीक है हेगलिन रूल वाले का 292 है आंसर, ठीक है ऑप्शन एक्ट के रिगार्डिंग किया गया था वो, ठीक है ऑप्शन एक्ट के रिगार्डिंग आपको मिलेगा वो, ठीक है। और क्रिएटर ऑफिशियल्स 59 का ₹1,000, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, बी ऑप्शन जो कि ₹1,000 है वो बिल्कुल सही आज जवाब मिलेगा आपको। चलिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 ऑफ आईपीसी, 230 ऑफ आईपीसी द कॉइन्स इंक्लूड, किसको कॉइन्स के डेफिनेशन में मानते हैं आप लोग, कॉइन्स में क्या क्या आता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 ऑफ आईपीसी क्या लगता है? 230 ऑफ आईपीसी की बात करते हैं, क्या होगा सबसे सही जवाब? बताइए जल्दी से आप लोग के अनुसार क्या होगा सबसे सही और सटीक जवाब? 60 का सी, सी सी ऑप्शन सही वाले लोग बता रहे हैं, सी ऑप्शन जो जो मार्क कर रहे हैं बिल्कुल। कंपनीज रुपीज एंड फारूका फारूकाबाद रुपीज की बात करते हैं, सी ऑप्शन सही है, ठीक है इसका 60 का। चलिए बताइए 2 मिनट का बैप ब्रेक ले लेते हैं, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है कोई और बात हो बताइए जरा, कोई बात पूछनी है आप लोगों को, कोई क्लास के रिगार्डिंग, कोई टाइमिंग्स, कुछ भी आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा धीरे धीरे। बताइए क्या लगता है आप लोगों को 61st क्वेश्चन, सर एनआईए एक्ट भी करवा दो, कहां पे एनआईए कर कराना है, एनआईए कहां कराना है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में का मेरा प्लस क्लास में ऑलरेडी हुआ हुआ है, डिटेल में हुआ हुआ है प्लस क्लास में, मैंने सेक्शन 1 से लेके पूरा पूरा कवर किया हुआ है ये नेशनल, वो क्या बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है इसको वैल्यूबल सिक्योरिटी की बात करते हैं, वैल्यूबल सिक्योरिटी होगा। चलिए स्पेशल लॉस की बात करते हैं, स्पेशल लॉस क्या लगता है आप लोगों को? स्पेशल लॉ किसे कहते हैं? ठीक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है मेगा प्लस क्लास में आपका अन अकेडमी पे, पूरा कोर्स कराया हुआ है मैंने, ठीक है जिसमें मैंने आंसर राइटिंग कराई, 4-5 मॉडल आंसर भी लिखवाए उसको, क्योंकि झारखंड में भी आपका मेंस में आता है, इवन बिहार में भी मेंस में आता है पेपर वो, ठीक है उस पर्पस को फॉलो करते हुए। मेरा सर सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, रिवीजन करा दो स्पेशल, ओके ट्राई करेंगे देखो शेड्यूल करने की, ठीक है आई बहुत टाइट पैक्ड शेड्यूल चल रहा है ना आजकल। गुरप्रीत वेलकम। स्पेशल लॉ की बात करते हैं, क्या होता है 62nd क्वेश्चन का क्या होगा आंसर आप लोगों का? तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या हो गया भाई जो आप लोग जो जो सी बोल रहे हो ना, जो पर्टिकुलर एनी अप्लीकेट ओनली टू पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, वो आपका लोकल होता है, लोकल लोकल लॉ होता है, ठीक है लोकल और स्पेशल में समझने का सबसे अच्छा डिफरेंस बता रहा हूं आप लोगों को, दोबारा सुन लेना आप लोग सब अच्छे से। जब आप स्पेशल लॉ की बात करते हो, स्पेशल मतलब क्या कह रहे हैं, स्पेस सब्जेक्ट मैटर की बात करते हो, सब्जेक्ट की बात करते हो, एस से सब्जेक्ट याद रखिएगा। और जब हम लोकल की बात करते हैं इसका मतलब एल से लोकैलिटी, किसी लोकैलिटी की बात कर रहे हैं एल, ठीक है सब मजा आया। चलिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स वर मेंशन इन द
सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी एट द टाइम ऑफ इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। क्या लगता है कितने तरह की पनिशमेंट आपको मिल जाती हैं, बताइए कितने तरह की पनिशमेंट्स आप प्रोवाइड किया गया है। क्या लगता है ऐसी गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा 63 क्वेश्चन में? दोबारा पढ़ो क्वेश्चंस को, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। कितने हैं? इंडिपेंडेंट की टाइम की बात पूछ रहा है, जब भारत आपका आजाद हुआ 1950, कौन की बात कर रहा है? 1947 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आजाद हुआ तो 1947 में आपके कितने बेसिकली क्लॉज थे, कितने टाइप्स के पनिशमेंट थे? तब आप तब भी आपके 6 ही थे, ठीक है। बाद में आपका ठीक है एट द टाइम आपको मिलेगा 6। अब आपके प्रेजेंटली की बात करोगे तब आपको मिलता है, प्रेजेंटली अगर आप पूछोगे तब आपको 5 देख लिखना है, ठीक है। चलिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बताइए। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 53 55A वॉज इंसर्टेड बाई, क्या लगता है आप लोगों को? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करते हैं। रमन वेलकम। ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, 8 बजे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग 8 बजे मिलेंगे, 8 बजे 8 PM अन अकेडमी ऐप पे। सब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां के थ्रू आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। 64 कौन से एक्ट ऑफ, ठीक है क्या होगा 64 का क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, 64th क्वेश्चन का ए ऑप्शन है, ए आंसर। चलिए 65th बताइए, 65th क्वेश्चन का जवाब क्या लगता है आप लोगों को? क्या होगा सबसे सही जवाब 65th क्वेश्चन का? पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑन विच, क्या लगता है आप लोगों को 65th क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? 65th 65 क्वेश्चन का जवाब, 65 क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ओहो, क्या कर रहे हो? बी ऑप्शन होगा, सही है, सही है। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करके बताओ, चेक करके बताओ मुझे एक बार। कौन कर रहा है चेक? कोई कर रहा है चेक 65th क्वेश्चन का? क्या सही है, क्या सही है? बोलो बोलो। यस सर 872। हाँ तो इसलिए मुझे लगता है कई बार आप लोग ना जब पहला कोई कमेंट करता है ना, कोई पहला जैसे मान लो 71 कर दिया तो सारे सारे करते हैं सर 71 71 सर 71 सर 71 है ना, ऐसे सारे करते हो, ऐसा है क्या? ऐसा मत करो, ठीक है 72 मिलेगा आपको, 72 आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे। 66 हाउ मनी इंप्रीजमेंट ऑफ सॉलिसिटरी कन्फाइनमेंट इफ द टर्म ऑफ इंप्रीजमेंट इज 7 साल के लिए, अगर आप मिलता है सजा आपको नॉर्मल तो उसमें सॉलिसिटरी कन्फाइनमेंट की बात करते हैं, वो कितना हो सकता है? ओपन बुक एग्जाम है इसलिए। अच्छा ऐसा है, ओपन बुक में भी गलतियां कर रहे हो हैं, तो कैसे दोगे? अच्छा AIB कौन दे रहा है? AIB अप्लाई कर दिया सबने? AIB का एग्जाम ऑल इंडिया बार एग्जाम सब लोग अपीयर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? या अभी भी डर लग रहा है किसी को कि सर बहुत मुश्किल एग्जाम है सर कैसे होगा वो? AIB एग्जाम के लिए अप्लाई कराया नहीं करा अभी तक सबने? ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए कर दिया है सबने? बहुत इजी एग्जाम होता है, याद रखिएगा, कभी तो डर मत बैठा के रखिएगा, ठीक है बहुत इजी एग्जाम है, ठीक है। तो आपको 3 मंथ्स का मिलेगा यहाँ पे, 3 मंथ्स मैक्सिमम होता है यहाँ पे, मैक्सिमम 3 मंथ्स की पनिशमेंट होती है। अरे कर दो, इजी एग्जाम होता है,
बहुत इजी एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ आप लोग, कुछ नहीं होगा, डर लग रहा होगा अभी, अभी डर लगता है जब एग्जाम देने जाओगे तो फिर ऐसा लगेगा अरे क्या क्यों, फिर हंसोगे आप लोग। नहीं नहीं दे दो आप, ठीक है आप अप्लाई कर दो, मैं बोल रहा हूँ जिस 5 फरवरी को है ना, नहीं होती है कुछ, नहीं करनी होती प्रिपरेशन, नहीं होती है कुछ, विदाउट प्रिपरेशन होता है, ठीक है विदाउट प्रिपरेशन, टेंशन मत लो, सब लोग भर दो, सब लोग जितने जिसने अभी तक नहीं भराया, अप्लाई नहीं किया, अभी डेट है नहीं है, डेट खत्म हो गई, डेट कब तक की है फॉर्म भरने की? अभी है डेट या खत्म हो गई है डेट फॉर्म भरने की, अप्लाई करने की? बहुत इजी एग्जाम है, प्लीज आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। पैसा कितना लगता है पता नहीं, कितना कितना, 3600 रुपये, कितना है 3600 रुपये है ना, कुछ ऐसा कुछ है ना अमाउंट, या 3000 कुछ है, किसने किसने भरा, जिसने भरा वो बताएगा अभी, 10 3500 रुपये है, ओके 3500 है, चलो मान लिया। मेरा डिग्री नहीं मिला है तो मैं नहीं अप्लाई कर सकती, आप बिल्कुल नहीं अभी नहीं कर सकते, आप इनरोलमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को, इनरोलमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है पहले इनरोलमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप क्या बोलते हैं तब आप कर सकते हो, ठीक है ठीक है। बाकी दिल्ली में किसी को इनरोलमेंट का दिक्कत हो बता दीजिएगा मुझे, दिल्ली में किसी को दिक्कत हो गई, इशू होगा बता दीजिएगा आप लोग मुझे, ठीक है कोई हेल्प चाहिए हुई तो। चलिए इज अ रूल ऑफ एविडेंस की बात करते हैं, ठीक है रूल ऑफ एविडेंस, ठीक है दिल्ली के अंदर इनरोलमेंट में कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा मुझे। डेफिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, डेफिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, नहीं प्रोविजनल से हो जाएगा, प्रोविजनल डिग्री से हो जाएगा ना, हाँ डिग्री मतलब मार्कशीट होनी चाहिए मेन, आपका मार्कशीट और आपका प्रोविजनल डिग्री कंपलसरी है, उसके बिना नहीं होगा, कम प्रोविजनल तो होना ही चाहिए ना आपके पास। डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 68 का क्या होगा आंसर, 68 का क्या होगा आंसर? बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 69th क्वेश्चन बताइए जल्दी से, 69th क्वेश्चन का जवाब बताइए जल्दी से आप लोग, 69th क्वेश्चन का जवाब बताइए, पढ़िए आराम से। क्या लगता है आप लोगों को? एक जेलर ने, ए पर्सन था उसने ट्राई किया था, ठीक है उसको खाना बंद किया, मतलब बंद कर दिया बेचारे को, ठीक है लेकिन वो मरा नहीं पर्सन, उससे पहले उसको क्या हो गया, डिसमिस कर दिया गया उसको ऑफिस से, बाद में बी पर्सन ने भी कंटिन्यू रखा वो चीज़ ऑफिस का, वो पर्सन मर गया, तो ए पर्सन गिल्टी पूछी जो उसने स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट वाले का क्या होगा, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, ठीक है मर्डर के लिए नहीं लाइबल होगा, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर के लिए पर्सन वो लाइबल होगा। 70th क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन आप लोग के लिए आ गया है, इजी सा क्वेश्चन है लॉलीपॉप बिल्कुल, बताइए जरा जल्दी से 70th क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, 70th क्वेश्चन का क्या होगा सबसे सही और सटीक जवाब, बताओ जल्दी से जल्दी बताइए 70th का क्या होगा आंसर। एनिमल वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो आपका 47 में मिलता है, सेक्शन 70 सॉरी 47 में मिलता है, ठीक है चलो ठीक लग रहा है सेशन, जितने लोग बैठे हैं क्या आप लोगों को सेशन ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है बताओ मुझे जल्दी से फटाफट, जो 25 लोग स्टूडेंट लाइव है अभी, सेशन अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, काम का है या नहीं ये बताओ, मेन तो आपका यही काम का है सेशन या नहीं है, बढ़िया बहुत बढ़िया चलो शानदार है, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, 30 क्वेश्चन बचे जल्दी निपटा देते हैं इसको भी, 30 क्वेश्चन जल्दी से निपटा देते हैं हम लोग, ट्राई करेंगे 15 मिनट में 30 30 क्वेश्चन वो कर दे खत्म। 171 वन डिफाइंड कैंडिडेट की बात करते हैं, वो किस ईयर में सब्स्टिट्यूट किया गया था, किस ईयर में उसको सब्स्टिट्यूट किया गया था, बिल्कुल काम का अभिषेक, वेलकम 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 अभिषेक, कहाँ थे इतनी देर तक, ठीक है रात में 8 बजे वाला सेशन भी जरूर अटेंड कीजिएगा आप लोग,
8 बजे का सेशन भी आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है, ज्वाइन कर लेना, उससे वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा क्लास का। ठीक है, 150 क्वेश्चंस करने वाले हैं वहाँ पे, वहाँ पे आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे, 150, सोचो, जस्ट इमेजिन, है ना। पनिशमेंट फॉर परसोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट इज प्रोवाइडेड अंडर, कराते रहिए सर, हम लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो आप लोगों क्या करना है, बस एक छोटा सा लाइक करना है ना, और कुछ नहीं करना है। लाइक कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए बाकी अपने दोस्तों में, कि आइए आइए आनंद सर की क्लास लीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं करना है आप लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल रही हैं आप लोगों को। क्या लगता है 72 का क्या होगा आंसर? 170 की बात करते हैं, 170 की बात करते हैं, 170 मिलेगा, 170 में मिलता है आपको प्रोविजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भाग जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ओमिशन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या करना था आपको? प्रोड्यूस करना था, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना था, लेकिन आप उसको डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर पाए या रिकॉर्ड को प्रोड्यूस नहीं कर पाए जिसमें लीगली बाइंडिंग था आपका, तो ऐसे केसेस में कितनी पनिशमेंट हो सकती है, कितनी पनिशमेंट होती है 73rd क्वेश्चन के आंसर में? 73rd क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? 73वें क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, आप लोगों को क्या लगता है? सर किसी ने सी बोल दिया है तो हम सी ही मार्क करेंगे, है ना, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 5 6 months 1000 rupees और बोथ। ठीक है, चलिए, ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स टू एनी पब्लिक सर्वेंट की बात पूछ रहा है। पब्लिक सर्वेंट के केस में क्या होगा, वो तो हमने पूछा था कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट की बात कर रहे थे, देखो कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग पब्लिक सर्वेंट की बात पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? पब्लिक सर्वेंट की। क्या लगता है पब्लिक सर्वेंट केस में क्या होगा? 74th क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। सेवेंटी फोर्थ केस में अगर पब्लिक सर्वेंट के सामने नहीं प्रस्तुत करें तो आपको 1 महीने की सजा होती है और 500 रुपए तक का फाइन आपका लग सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आ गया है, 75 क्वेश्चन। इसके 25 क्वेश्चन बच जाएंगे आप लोगों के लिए, इसके बाद 25 क्वेश्चन बच जाएंगे मात्र आप लोगों के लिए, फटाफट कीजिए जरा जल्दी से। इसके बाद 25 क्वेश्चन हम लोग कराने वाले हैं, जल्दी से बताइए। क्या होगा 75th क्वेश्चन का जवाब? क्या लगता है आप लोगों को? 174 की बात करते हैं, 174 आपको मिलेगा, 174। चलिए, पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी इन इलेक्शन, तो पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी इन इलेक्शन की बात करते हैं, पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी इन इलेक्शन की बात करते हैं हम लोग। क्या लगता है ब्राइबरी की बात करते हैं? 76 क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, 76वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है, 76th, पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी। पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी कितने साल की पनिशमेंट? 76 क्वेश्चन का जवाब। क्या क्या लग रहा है आप लोगों को? तो बहुत लोग डी ऑप्शन मार्क कर रहे हैं, बहुत लोग बी ऑप्शन मार्क कर रहे हैं, तो बी वाले बिल्कुल सही हैं। ठीक है, बी वाले बिल्कुल सही, बी ऑप्शन जिसने से मार्क किया, कमल दी, कमल प्रीत, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वियरिंग ग्रैब गार्ड और कैरिंग सॉरी
कैरिंग टोकन यूज बाई पब्लिक सर्वेंट विथ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन लीड टू पनिशमेंट ऑफ, कितनी पनिशमेंट होती है ऐसा अगर करते हैं तो? 2 महीने की सजा, 3 महीने की, 3 महीने या 6 महीने, क्या लगता है आप लोगों को? 2, 3, 3, 6 मेन फाइन बताना है आप लोगों को। 77th क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? 77th क्वेश्चन का 3 महीने, लेकिन 3 महीने के दो ऑप्शंस हैं, 3 महीने वाले दो ऑप्शंस हैं, क्या वो 200 रुपए साथ में या 500 रुपए का फाइन लगने वाला है आपको? तो वो लगेगा आपका बी ऑप्शन सही है, 3 महीने तक की सजा और फाइन आपका 200 रुपए। ठीक है, चलिए। पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट विल लेड टू पनिशमेंट ऑफ टर्म में एक्सटेंड टू, क्या लगता है आप लोगों को? पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट विल लेड टू पनिशमेंट ऑफ टर्म में एक्सटेंड टू, क्या लगता है आप लोगों को? दो साल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चैप्टर 9A ऑफ आईपीसी वो इंसर्टेड बाय, चैप्टर 9A कब इंसर्ट किया गया था, इंक्लूड किया गया था? चैप्टर 9A की बात कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर 9A, चैप्टर 9A ऑफ आईपीसी वॉज इंसर्टेड बाय, चैप्टर 9A कौन से एक्ट के थ्रू? एक्ट नंबर 39 ऑफ 1920, एक्ट नंबर 39 ऑफ 1920, एक्ट नंबर 39 ऑफ 1920, 1920 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। किस प्रोविजन की बात कर रहे हैं हम लोग, बताइए जरा जल्दी से। सीआरपीसी का कौन सा प्रोविजन मिलेगा आप लोगों को, आईपीसी का कौन सा मिलेगा यहाँ पे? रहन दो यार, डिलीट डिलीट क्यों करते हो बैठ के, ऑप्शंस को डिलीट क्यों करते हो अपने कमेंट्स को, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, गलती तो हुई है, क्या दिक्कत है, कोई क्राइम थोड़ी हुआ है हाँ कि चार्ज लग जाएगा आप पे। लगता है 80th क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? 80th क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? यस करेक्ट, सी 357 सी की बात करते हैं। चलिए बताइए, मात्र 20 क्वेश्चन बचे हैं, 20, मात्र 20 क्वेश्चन, बताइए क्या एंड करते हैं सेशन को या और कराएं, बताइए जल्दी से, करने आगे क्वेश्चंस ये क्या किया, सेशन को एंड करते हैं, बताओ जल्दी से, क्या लग रहा है टिके रहोगे आप लोग 20 क्वेश्चन की है एनर्जी करने की? नो एंड, चलिए यही चाहिए बस, क्या यस सर, सर कराइए, अच्छा कराते हैं, अच्छा है एनर्जी, ओके फिर तो डन, चलो फिर और क्या चाहिए। 10 मिनट का हार्डली सेशन बचा है, 10 मिनट में खत्म कर देंगे हम लोग, 10 मिनट हार्डली, 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट बस सब्र बना के रखिएगा, थोड़ा सा कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नए नए क्वेश्चन ही मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है, कुछ ना कुछ नए तो मिले जाओगे क्वेश्चन यार, बुक में तो ऐसे नहीं मिलेंगे आप लोगों को, ऑब्वियस बात है, कुछ तो देखो, कुछ तो ऑब्वियसली रिपीट होते हैं क्योंकि वो हर जगह एग्जाम्स में आते हैं तो वो रिपीट करना पड़ता है, हमारी कंपल्शन होती है, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको भले ही आपको बुक्स में जरूर नहीं मिलेंगे पता है मुझे, ठीक है, क्योंकि वो सेल्फ मेड है, ठीक, खुद बनाए गए हैं तो इसलिए फिर ऐसा नहीं मिलेगा आपको। 3 ईयर्स की बात करते हैं हम लोग, 3 ईयर्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए बताइए, डिस्क्लोजर द आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस एक्सेट्रा का प्रोविजन कहाँ मिलता है आप लोगों को?
डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं, क्या लगता है आप लोगों को? डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी क्या लगता है आप लोगों को? डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी टू ट्वेंटी टू सॉरी 228A 228A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 228A कब इंक्लूड किया गया था आईपीसी के अंदर? 228A कब इंक्लूड किया गया था आईपीसी के अंदर, जल्दी बताइए। 228A 228A वॉज इंसर्टेड इन ईयर टू ट्वेंटी एट ए नाइनटीन एटी थ्री में, 1983 जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तो। ठीक है चलिए, फेलियर बाय पर्सन रिलीज ऑन बेल और बॉन्ड टू अपियर इन कोर्ट, क्या लगता है कहां प्रोविजन मिलता है आपको? 84th क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है, 84th 84th क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। 228, 229, 229A, 219, 228, 29, 29 A या 19? यस करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है, 229A। चलिए चैप्टर 10 बताइए मुझे जल्दी से, चैप्टर 10 क्या बात करता है? चैप्टर 10 की बात करते हैं, चैप्टर 10 बताइए फटाफट, जवाब आ जाना चाहिए आप लोगों का। चैप्टर 10 किसकी बात करता है? चैप्टर 10 चैप्टर 10 की बात करते हैं, चैप्टर 10 ऑफ आईपीसी क्या होगा? सबसे सही जवाब, सही और सटीक जवाब के लिए 85th क्वेश्चन, 85th का बी सी क्या लग रहा है आप लोगों को? 85th की बात करें, 10th चैप्टर, दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आईपीसी की बात करते हैं। फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस हैज बीन डिफाइंड अंडर, तो फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का प्रोविजन कहां मिलता है आप लोगों को? फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का प्रोविजन कहां मिलेगा आप लोगों को, कहां डिफाइन किया गया है? 191 में, 2 में, 3 में या 6 में? फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का प्रोविजन कहां मिलता है आप लोगों को, बता दीजिए जल्दी जल्दी, बताइए जल्दी जल्दी फटाफट जवाब आना चाहिए आप लोगों का, क्या लगता है? 86 का, कौन कौन बोल रहा है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेल डन वेल डन। 192 का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है चलिए 87th क्वेश्चन बताइए, 87th क्वेश्चन क्या लगता है? 87th क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 87th क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है? 87th क्वेश्चन का जवाब जल्दी से बताइए, जल्दी से। एटी सेवेंथ क्वेश्चन का जवाब, तो 201 की बात करते हैं, 201 में मिलेगा आपको, 201 का प्रोविजन। चलिए 88 बताइए, इन नोइंग दैट हर हस्बैंड बी हैज कमिटेड मर्डर नोइंगली कंसील इन ऑर्डर टू स्क्रीन हिम फ्रॉम लीगल पनिशमेंट ए इज लाइबल फॉर, क्या लगता है आप लोगों को? ए इज लाइबल फॉर मर्डर बाय रीजन ऑफ हैविंग कॉमन इंटेंशन, हार्बरिंग, इंटेंडेड बाय एसिड सॉरी एड या नो ऑफेंस। हस्बैंड ने बेसिकली मतलब हस्बैंड को कंसील किया, उसने हस्बैंड को वाइफ ने छुपाया होगा। 88 का क्या होगा आंसर? तो याद रखिएगा, कोई भी ऑफेंस नहीं होता अगर हस्बैंड वाइफ को कंसील करते हैं, छुपाते हैं, या बेसिकली
वाइफ हस्बैंड को, तो उस केस में ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, कोई ऑफेंस नहीं होता है वो। चलिए 89th क्वेश्चन, जल्दी समाप्ति की ओर चल रहे हैं हम लोग, 100 क्वेश्चन जल्दी ही आप लोगों के खत्म होने वाले हैं। सेक्शन प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टी मेकिंग फॉल्स क्लेम इन द कोर्ट, कौन सा मिलेगा प्रोविजन, 179, 205, 209 या 211, क्या लगता है? दो सौ, क्या लग रहा है? नौ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऑल गुड ऑल गुड। चलो 209 की बात करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पर्सोनेट आ ज्यूरर और असेसर की बात करते हैं, अगर पर्सोनेट कर रहे हो उसको, तो 228, 229, 229 ए या 221, क्या लगता है? नाइन्टी का बी, 229, 229। चलिए 10 क्वेश्चन बच गए आप लोग यार, अब बस 10, मात्र 10 क्वेश्चन। चलिए मैं जल्दी कर लेते हैं, मिनिमम इम्प्रिजमेंट फॉर एंड फाइन इज प्रोवाइडेड अंडर किस सेक्शन में, मिनिमम पनिशमेंट का प्रोविजन मिलता है आपको इम्प्रिजमेंट और फाइन, कौन सेक्शन है आईपीसी का जिससे मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड करता है, इम्प्रिजमेंट की बात करते हैं एंड फाइन की बात करते हैं, क्या लगता है जल्दी बताइए फटाफट, 500 कौन सा सेक्शन मिलता है आप लोगों को, 510 मिलेगा, 11 नहीं मिलता है, 10 में आप कहते हैं ना ड्रिंक करके बेसिकली आप, ठीक है, 511 तो अटेम्प्ट की बात करता है ना, अटेम्प्ट के केसेस में बहुत सारा ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है, इसमें 24 आवर्स की मिलती है पनिशमेंट और आपको 10 रुपये तक का फाइन, 10 रुपये तक का फाइन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बताइए कहाँ पे गिल्टी होगा पर्सन, एक कहाँ पे गिल्टी होगा, जेब में हाथ डाला बेचारे ने चोरी करने के उससे, ठीक है, इरादे से, लेकिन उसमें वो खाली निकला, क्या लगता है आप लोगों को कौन सी पनिशमेंट, कहाँ पे अटेम्प्ट हुआ, अटेम्प्ट की पनिशमेंट कहाँ मिलती है आप लोगों को, अटेम्प्ट की पनिशमेंट कहाँ मिलती है हम लोगों को, क्या मर्डर के अटेम्प्ट के लिए भी 311, 511 लगता है क्या, क्या अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए भी यहाँ पे लगता है क्या, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए भी लगता है क्या प्रोविजन, नहीं, याद रखिएगा जहां पे जो प्रोविजन ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए ना उनके अटेम्प्ट की बात नहीं करता, यहां पे जिसके अटेम्प्ट ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए उसके ऑफेंस नहीं, जिसके अटेम्प्ट नहीं प्रोवाइड किए गए उनके लिए 511 एप्लीकेबल होता है, ठीक है, याद रखिएगा चीज, रूल लिया। चलिए 93rd क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, 511 ऑफ आईपीसी डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ, हाँ, क्वेश्चन आ गया देखो, 511 ऑफ आईपीसी डज नॉट अप्लाई, डज नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ अटेम्प्ट ऑफ, क्या लगता है, मर्डर मर्डर मर्डर, मृत्यु के केस में नहीं होगा, चलिए हत्या केस में, सॉरी मृत्यु कह रहा हूं, हत्या केस में, बताइए कौन सा ऑफेंस है, नाइन्टी फोर्थ क्वेश्चन का क्या होगा जवाब, क्या है लगता है आप लोगों को, कौन सेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, यस, जो लोग सी ऑप्शन मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही है, 508 की तरफ चलते हैं हम लोग, 508 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग, क्रिमिनल इंटिमिडेशन बताइए जरा जल्दी से, बाय एनोनिमस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, 504, 7, 8 या 503, 95th क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रह जाएंगे, फटाफट जवाब दे दो यार मेरे को, 507 की तरफ चलते हैं हम लोग, 507 है बिल्कुल सही जवाब, 507
सात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स कंडक्टेड सॉरी कंसी कंडक्टिंग इन पब्लिक मिसचीव शैल लीड्स टू द पनिशमेंट ऑफ। लगता है स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ शैल लीड्स टू द पनिशमेंट ऑफ। तीन साल की पनिशमेंट, तीन साल की, तीन साल की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 97th क्वेश्चन का जवाब, 97th क्वेश्चन का जवाब। चैप्टर डील्स विद क्रिमिनल इंटिमिडेशन असॉल्ट सॉरी इंसल्ट एंड अनोयंस की बात करते हैं। क्या लगता है कौन चैप्टर डील करता है? चैप्टर आ गया है जवाब 22 की बात कर रहे हैं बच्चे, सी ऑप्शन की बात करें तो हम भी सी ऑप्शन की बात करेंगे, ठीक है, वेल डन। चलिए 98th क्वेश्चन की तरफ भागते हैं हम लोग। सेल एंड प्रिंटेड इनग्रेव्ड सब्सटेंट कंटेनिंग द डिफामेटरी मैटर, तो क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा सही जवाब? नाइन्टी एट क्वेश्चन का क्या होगा जवाब? 98th क्वेश्चन का जवाब बताइए जरा मुझे जल्दी से। 98th क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो सबसे सही जवाब दिया है, पहले किसने से दिया? श्वेता ने दिया जवाब। 502 की बात करते हैं हम लोग, 502, 502, 502, ठीक है, क्लियर है। वो नॉर्मल डिफॉर्मेशन आपको 499 मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आपको देखे हुए सब आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए 99th क्वेश्चन, 99th क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। कौन सा इसमें से एक्सेप्शन नहीं है, मतलब डिफॉर्मेशन का कौन सा एस्पेक्ट नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे बताइए। 99th, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का बचेगा हमारा। 100 क्वेश्चन हम लोग फिर कर लेंगे, ऑलरेडी 2 घंटे से पहले ही हमने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट, ठीक है, 1 घंटे 45 मिनट में हमने कवर कर लिया, 90 मिनट में, ऑलमोस्ट 90 मिनट नहीं ज्यादा, ठीक है, ऑलमोस्ट 100 मिनट से ऊपर ही हो गया था, 100 मीटर के आसपास, 100 मिनट, 100 मिनट मिनट के आसपास। क्या लगता है कौन सा आपको एस्पेक्ट नहीं मिलेगा? तो कंडक्ट ऑफ सर्वेंट की बात करते हैं, कंडक्ट ऑफ सर्वेंट, ठीक है, ये आपका डिफेंस नहीं मिलता, एक्सेप्शन नहीं होता। कितने एक्सेप्शंस हैं कोई बताएगा क्या मुझे, कितने टोटल एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे सेक्शन 499 में, कितने टोटल एक्सेप्शंस हैं? क्या लगता है टोटल कितने एक्सेप्शंस मिल जाते हैं आप लोगों को सेक्शन 499 में? याद रखिएगा 10 एक्सेप्शंस हैं टोटल, 10 एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग स्क्रीन पे आता हुआ, पनिशमेंट फॉर डिफॉर्मेशन, तो डिफॉर्मेशन की पनिशमेंट कितनी दी गई है? क्या लगता है कितना एस्पेक्ट है? अंकिता वेलकम, बहुत दिनों मतलब बहुत देर बाद फिर आपका गायब हो गया था क्या बीच में? पनिशमेंट फॉर डिफॉर्मेशन, क्या लगता है पनिशमेंट फॉर डिफॉर्मेशन, पनिशमेंट फॉर डिफॉर्मेशन कितना पनिशमेंट मिलता है पर डिफॉर्मेशन केस में? तो 2 साल का पनिशमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। किसी को भी डाउट है तो कोई पूछ लीजिएगा, आनंद मिश्रा, आनंद मिश्रा सर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहां पे आपको चैट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, कोई डाउट सर पूछ सकते हैं, यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको, वहीं पे लिंक मिल जाएगा आपको बेसिकली, ठीक है, जहाँ पे आपको रात में 8 बजे क्लास है, फिर आपकी 8 बजे, 8 बजे, ठीक है, 150 MCQs मिलेंगे आप लोगों को, मिक्स मिक्स, ठीक है, क्लियर है, अटेम्प्ट कीजिएगा जरूर। टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, याद रखिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई आपके चार्जेस नहीं लग रहे हैं, ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं अनअकैडमी का, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे प्रॉपर क्लासेस लेना चाहते हैं आप लोग, ठीक है, 8 बजे, 8 बजे, 8 बजे, 8 बजे होगी, हार्डली 8:05, उससे 5 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है, ये आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन प्लान, जो कि प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको मिलते हैं अलग अलग, ठीक है, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप प्लान कर सकते हैं, देख सकते हैं ऑफर मिल रहा है आप लोगों को, कोड यूज करना आनंद सर लाइव,
आनंद सर लाइव कोड यूज करके आप लोग अवेल करते हैं ऑफर, आनंद सर लाइव कोड यूज करके आप लोग जो भी ऑफर चल रहा होगा वो आप अवेल कर पाओगे, ठीक है? ठीक, नहीं यूट्यूब पे नहीं है, बोलता हूँ मैं, अनअकैडमी ऐप पे है, अनअकैडमी ऐप पे है। इस क्लास का लिंक आपको यहां मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल, ठीक है? आनंद मिश्रा सर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक।